नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग बुक समरी लेकर आए हैं जो अंकुर वारिको ने लिखी है, डू एपिक शिट। अंकुर वारिको एक एंटरप्रेन्योर, पब्लिक स्पीकर, एंजल इन्वेस्टर और यूट्यूबर हैं एंड नियर बाय कंपनी के फाउंडर भी हैं। पर उन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया कैसे? आंसर इज डू एपिक शिट। जी हाँ दोस्तों, डू एपिक शिट का मतलब है कुछ हटकर करना, भीड़ से अलग सोचना। अलग सोचने से आप न केवल पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे बल्कि प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सोशल लाइफ में भी सक्सेस मिलेगी। इससे आप इतना कुछ अचीव कर लोगे कि दुनिया आपको याद रखेगी। पर दुनिया से अलग सोचे कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं डू एपिक शिट बुक समरी। फर्स्ट, ग्रो योर पैशन। ऑथर कहते हैं कि कई बार पैशन होता नहीं है बल्कि ग्रो किया जाता है। काफ़ी हद तक यह सही भी है। जैसे बहुत से लोग स्विमिंग नहीं जानते, इसलिए वे उसके बारे में ज़्यादा पैशनेट नहीं हैं। लेकिन अगर एक बार वे सीख जाएं, तो हो सकता है यह उनका पैशन बन जाए। ऐसा होने से वे स्विमिंग में और भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं और हो सकता है नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दें। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जो भी स्किल आपने सीखी है और अगर वह बोरिंग भी है, तो भी आप उसमें पैशन ग्रो कीजिए। अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आप उसमें नेक्स्ट लेवल तक अचीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने पैशन को स्किल बनाइए और उसमें एक्सपर्ट बने। एक बार आप उस स्किल में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरों की देखा देखी कुछ भी मत कीजिए, इससे आप कॉपीकैट ज़्यादा लगोगे। सेकेंड, थिंक लाइक अ लीडर। एक लीडर की तरह सोचना शुरू कीजिए। सारी जिंदगी लोग दूसरों को ही लीडर मानते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ऑर्डर मिलेंगे वे वैसे ही मान लेंगे। लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट बदलना होगा और लीडर का माइंडसेट अपनाना होगा, नहीं तो आप ऑर्डिनरी ही बनकर रह जाएंगे। लेकिन लीडर बनने के चक्कर में डिक्टेटर न बन जाएं। एक अच्छे लीडर में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। पहले खुद स्टैंड लेता है, खुद को मोटिवेट रखता है और फिर बाकी सबको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, तभी लोग उसे लीडर का दर्जा देते हैं। उसमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति होती है और इनजस्टिस में आवाज उठाने की हिम्मत भी। लीडरशिप की क्वालिटी हर फील्ड में काम आती है। अगर कल को आप एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं तो वहां भी लोगों को लीड करना पड़ेगा। इसलिए एम्पैथी यानी दूसरों की पीड़ा की समझ डेवलप कीजिए, लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे। थर्ड, बी क्यूरियस। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी चीजों को पाने की एक चाहत है। जैसे बचपन में हर कोई क्यूरियस होता है, लेकिन धीरे धीरे हम में वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम जॉब में फंस जाते हैं और सिर्फ दूसरों के ऑर्डर के मुताबिक ही काम करते हैं। इसी 9 से 5 वाले चक्कर में फंसे रहते हैं। इससे लाइफ बेहद बोरिंग हो जाती है, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं। अगर आप बड़े होकर भी क्यूरियस बने रहेंगे तो आपको नए नए आइडियाज आते रहेंगे। किसी नए आइडिया से आप अपना कोई स्टार्टअप या कंपनी शुरू कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। 30 से 40 साल दूसरों के लिए काम करने से बेहतर है कि 3 से 4 साल अपने किसी भी एक आइडिया पर काम कर ले। ना पैसों के बारे में कभी सोचना पड़ेगा, ना टाइम बचाने के लिए भागना पड़ेगा और अपनी लाइफस्टाइल खुद डिसाइड कर पाओगे। फोर्थ, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कई बार हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं लेकिन कभी इसके लिए ज़रूरी कदम ही नहीं उठाते, बस बहाने मारते रहते हैं। बहुत से लोग जॉब का बहाना देते रहेंगे, लेकिन अगर सच में किसी को कुछ करना है तो जॉब के साथ साथ भी कुछ किया जा सकता है। इसके लिए डेडिकेशन एंड एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग यूट्यूबर तो बनना चाहते हैं लेकिन सोचते ही रह जाते हैं, वीडियो कैसे बनेगा, स्टार्ट कैसे करना है, टॉपिक नहीं मिल रहा, लोग क्या सोचेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए आप सोचिए कम और करिए ज़्यादा। एकदम से एक्शन लेने की आदत डालिए, बस स्टार्ट करिए। शुरू में काम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें सुधार ला सकते हैं। स्लो एंड स्टेडी मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिफ्थ, अवॉइड रैट रेस। आजकल लोग रैट रेस में फंसते जा रहे हैं।
सबको एक दूसरे से आगे निकलना है। इस दौड़ भरी जिंदगी में देखो देख ज्यादा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम दो दोस्त थे, वो अक्सर मिला करते थे। राम ने किसी कॉन्फ्रेंस में जाना शुरू कर दिया। जब ये बात श्याम तक पहुंची तो उसने मन ही मन सोचा कि राम तो मुझसे आगे निकल गया है। उसके दिमाग में खलबली मच जाती है और अब श्याम भी ऐसे ही सेमिनार में जाने लगता है। अब यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि राम की जरूरत थी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना, पर श्याम देखो देख में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लगा बिना ये सोचे कि क्या सच में उसे इस चीज की जरूरत है, क्या यह उन्हें खुशी देता है भी है या जबरदस्ती किया जा रहा है। इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। आप बस अपना पैशन ढूंढिए और उसी को फॉलो कीजिए। यही एटीट्यूड आपको फेमस बनाएगा और आप अपने तरीके से जी पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी जॉब वाली रेट रेस से पीछा छुड़ाना है तो हमने दो अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। बुक की समरी तो हम आपके लिए लाते ही रहेंगे, पर बुक्स को जरूर पढ़ें। बुक्स पढ़ने से आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। तो आज की शुरुआत इन बुक से कीजिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। साथ ही वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6. रिलेशनशिप रूल्स, रिस्पेक्ट, एम्पथी एंड सिंपथी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिलेशन सही रखना है तो यह 3 रूल याद रखें। पहला, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना हो या बेगाना। दूसरा, सबसे एम्पथी रखें, इसका मतलब है दूसरे के दर्द को समझना। बहुत से लोग स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें बस अपनी अपनी पड़ी रहती है। अगर आप सबका हित सोचेंगे तो वे लोग हमेशा आपका दिल से सम्मान करेंगे और यही चीज आपकी सफलता के रास्ते में भी काम आएगी। कहीं ना कहीं से आप तक भी हेल्प आ जाती है। तीसरा, सिंपथी यानी सहानुभूति देना। अगर कोई दिक्कत में है या प्रॉब्लम में है तो उसकी सुने और उन्हें सहानुभूति दे। बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो हम उन्हें मजाक में उड़ा देते हैं। इससे दूसरे आदमी को और ज्यादा हर्ट होता है, फिर वे कभी आपके रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते। इसको एक स्टोरी से समझेंगे। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी एक मैकेनिक थे, वो ट्रैक्टर्स बनाते थे। जब फरारी कार में गड़बड़ी आई तो फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने यह जान लिया था कि ये गाड़ी के इंजन की प्रॉब्लम है। जब ये बात फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी को ये बात बताई तो उनको फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को इंसल्ट किया और बोला कि ये ड्राइवर की गलती है, कार की नहीं, और ये भी कहा कि तुम अपने ट्रैक्टर के पास जाओ, ये कार का मामला है। इसी इंसल्ट ने लैम्बोर्गिनी को जन्म दिया और आज जब भी सुपर कार्स की बात करते हैं तो फरारी से पहले लैम्बोर्गिनी का नाम आता है। इसलिए सबको रिस्पेक्ट दे, दूसरों को समझे और अच्छी सलाह दे या फिर हेल्प करें। 7th, सक्सेस एंड फेलियर। जिंदगी में हमें बड़ा बनाने में सफलता का इतना रोल नहीं होता जितना कि फेलियर का होता है। लोगों को लगता है कि सक्सेस ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलतियां की हैं और उन्हें दोबारा करने से बचते हैं। साथ ही हमें फेलियर से दर्द होता है, इससे भी हम साइकोलॉजिकली स्ट्रोंग होते हैं। हम सीखते हैं कि दर्द से कैसे उभरना है और हम रिवर्ट बैक करना सीख जाते हैं। फिर फ्यूचर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए फेल होने से कभी मत डरिए। जो कभी फेल नहीं हुआ इसका मतलब है उसने कुछ नया ना सीखा ना ट्राई किया। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। 8th, हैबिट ऑफ वर्क। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल ही नहीं बल्कि हैबिट्स बनानी चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक ही काम कई सालों तक करना पड़ता है। जैसे अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो रोज लिखे, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सालों के बाद उसकी हजारों रचनाओं में अगर 100 भी अच्छी होंगी तो वे उसे महान ऑथर बना देंगी। ऐसा हर काम के लिए कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अमित भड़ाना, टेक्निकल गुरुजी एक्सेट्रा, ये वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो क्या लगता है 2-4 महीनों में ही इस स्टेज पर आ गए होंगे? इसका राज है सालों की मेहनत और काम करने की हैबिट। आप इनकी शुरू के वीडियोस देखेंगे
तो शायद आपको हंसी आए, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनको करना था तो कर दिया और बिना किसी की परवाह किए कंसिस्टेंटली काम करते रहे, और आज आपको पता ही है ये कौन है। 9th, अवेयरनेस। दोस्तों, अवेयरनेस का मतलब है खुद को समझना। हमें लगता है कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद को दूसरों के नजरिए से भी देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप बच्चों पर गुस्सा कर रहे हो। आपको लगता होगा कि गुस्से से बात करने से वे कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन आपको अवेयरनेस लानी होगी कि इससे हो सकता है वे ढीठ बन जाएं, झूठ बोलना सीख लें और आपका सम्मान भी न करें। अवेयरनेस लाने के बाद आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना होगा। जैसे डांटने की जगह आप मोटिवेशन से बच्चों को ठीक राह पर चलना सिखा सकते हैं। उन्हें अच्छी किताब दें, इनसे वे खुद ही अच्छी नॉलेज ले लेंगे। इस तरह अपने अंदर झांके और देखें कि जो चीज़ आपको सही लगती है, क्या वही बात उसके लिए भी सही है। बच्चों को समझाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, यही नियम है। पब्लिक स्पीकिंग से अक्सर लोग डरते हैं, पर क्या सारे इससे डरते हैं? ऐसे बहुत से स्पीकर्स हैं जिनको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, क्या पहले दिन भी वो इतने ही जोश से बोलते थे? अपने आप से पूछिए, क्या ये डर सच में लॉजिकल है या वह सिर्फ आपका अपना बनाया हुआ है? तो इस तरह से हमें अपने अंदर हर नेगेटिव चीज के लिए अवेयरनेस लानी होगी। इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। 10th, एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टफ है, लेकिन इन चार चीज़ों से यह आसान हो जाती है। इसे टाइम दीजिए, हर दिन काम करिए, फेलियर से डरिए मत और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है। किसी भी एक काम को पकड़ ले और रोज करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, नया सीखिए। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, क्योंकि जो भी फेल हुआ है उसने अपना नाम बनाया है। एंटरप्रेन्योरशिप पे और नॉलेज लेने के लिए आप $100 स्टार्टअप भी पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर जरूर आपको कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जॉब के साथ साथ भी कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे आसान और कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस यूट्यूब चैनल या ब्लॉग है। तो सोचिए मत, शुरू कीजिए। इससे आपका भला होगा, आपकी लाइफस्टाइल सुधरेगी। तो दोस्तों, यही थी डू एपिक शिट समरी इन हिंदी। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी इन आइडियाज़ को काम में लाइए और लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचिए। इससे आप अपनी और समाज की बहुत हेल्प कर पाएंगे। बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू गाइज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।